गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंग्लिश के बैंकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, एसएससी के एग्ज़ाम में जितना इम्पोर्टेंस है। कॉम्प्रिहेंशन लिखना हो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना हो, ऐसे लिखना हो, तो अभी आप सबसे ज़्यादा समस्या देखते हैं स्टूडेंट्स के सामने वर्ड पावर की। तो इस दौरान में मैंने एक सोचा है कि एक आपके सामने एक पहला वीडियो लेके आता हूँ रूट वर्ड्स पे। पहले रूट वर्ड्स को समझना होता है। रूट का मतलब होता ही है जड़, रूट का मतलब होता ही है जड़, ठीक है। और वर्ड्स का मतलब इससे संबंधित वर्ड्स। अगर आप देखेंगे कि जब वर्ड्स का जब तोड़ना चालू करते हैं तो देखते हैं कि इसमें एक ना एक कनेक्टिंग वर्ड होता ही है। अभी मैंने आपके सामने एक लिस्ट रखा है और उसमें जितना सबसे ज़्यादा जिसमें शब्द मिला मेरे को वह मिला डिस। डिस एज ए प्रीफिक्स अगर इस्तेमाल किया जाए तो देखिए कि कितने सारे वर्ड्स तैयार हो रहे हैं। मुझे तो कम से कम गिनने में ही 500 शब्द आ गए। तो फिर भी जरा इनको देखते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं 10-12 शब्द को ही देखा है। मैं इस पर और एक दो वीडियो बनाऊँगा आगे और आपको उन वर्ड्स से मैं मुखातिब करवाऊंगा, उनका सबका मीनिंग आपको दिखवाऊंगा। तो जरा सा स्टार्ट करते हैं डिस से। तो ये समझ लो कि एक पेड़ मैंने बनाया है और ये इसकी जड़ है और डिस का मतलब हम लोग देखते हैं। तो डिस का मतलब, जैसे ही डिस जैसा वर्ड समझ में आने लगे ना, तो इसका मतलब होता ही है तोड़ना या अलग करना, ठीक है, अलग करना। नॉट या मतलब नहीं, लेकिन इस नहीं को भी याद रखना है किस तरह से नहीं भाई। तो नहीं का मतलब है आप एग्रीड हो। चलो मैंने आपको कोई बात कही, ठीक है, आपने आपके मन में कोई बात थी, मुझे यह काम करना, आई एम एग्रीड। लेकिन सामने वाला ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया जिसके वजह से वो आपसे सहमत नहीं है, तो बोला कि तुम तो एग्रीड हो लेकिन मैं तुमसे डिसएग्री हूँ। मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अब जैसे मैं आपको कर देता हूँ अनेबल और एक कर देता हूँ डिसेबल, दोनों में फर्क है। अनेबल का मतलब खुद की कमी के वजह से, खुद कोई ना कोई आप लैक कर रहे थे जिसके वजह से आप वह काम नहीं कर पाए। अनेबल, एबल मतलब योग्य, अनेबल मतलब खुद ऐसा कृत्य किया गया हो जिसके वजह से आप वह काम करने में सक्षम नहीं है। डिसेबल का मतलब है काम करने योग्य तो थे ही लेकिन कोई एक्सटर्नल फैक्टर ने आपको वह काम करने से बाधित कर दिया, इसीलिए डिसेबल्ड का इस्तेमाल कर देते होंगे। तो डिसेबल्ड का मतलब कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करने में रोक लगा दिया हो। तो डिस का मतलब हमेशा समझ लीजिएगा, सम एक्सटर्नल फैक्टर इज वर्किंग, सम एक्सटर्नल फैक्टर इज वर्किंग, तभी इज वर्किंग, तभी जो है वह काम नहीं हो पा रहा है या उससे दूर होता चला जा रहा है। अभी इस वर्ड पावर की क्लास में आप देखेंगे कि किस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, डिस का मतलब आप समझ लीजिएगा, डिस का मतलब फिर नहीं या फिर दूरी बना देना। तो किस तरह से दूरी बना दे रहे हैं इसको जरा सा वर्ड्स में हम लोग समझ लेते हैं। कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है, जैसे डिस ओन है, ओन से बना था। जैसे आप सिर्फ ओन को लेकर चलो तो ओन का मतलब होता है ओनर, स्वामी, ठीक है, लेकिन आप किसी चीज के स्वामी हैं और मैं आपको जो है उस चीज से आपको महरूम कर दे रहा हूँ कि नहीं, अब ये तुम्हारी चीज नहीं, मैं तुमसे छीन लिया, मैं तुमसे खींच लिया, तो डिसओन होता है। डिसओन का मतलब यू आर द ओनर बट ही बट नाउ आई हैव डिसओन्ड यू, मैंने तुम्हें उस ओनरशिप से ही खत्म कर दिया, शायद खरीद लिया, बेच दिया, मारपीट कर लिया, क्या किया तुम्हारे साथ, वो चीज तुम्हारा खींच लिया मैंने अपने साथ। उसी तरह से डिस है और इज है। इज का मतलब आसानी, ठीक है, और डिस का मतलब हो गया आपका अलग कर देना। तो मतलब है जो काम आप आसानी से कर सकते थे आप नहीं कर पाएंगे, अब आपको ये जो है डिजीज हो गया, जिसको आप लोग डिजीज बोलते हैं, डिजीज का मतलब बीमारी। इसी तरह से डिसइंटर, INTER का मतलब होता है जमीन के अंदर घुसा देना होता है जनरली। तो जब क्या होता है डेड बॉडी को आप जमीन के अंदर बरी कर देते हो, BURY, तो क्या होता है कभी कभी उसको निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो इंटर मतलब तो हो गया घुसा देना जमीन के नीचे, और डिस का मतलब होता है गड़े हुए मुर्दे को बाहर निकाल देना, तो डिसइंटर उसी को बोलते हैं। द कॉप्स वॉज डिसइंटर्ड। इसी तरह से इंटरेस्टेड, आप किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सामने वाला कुछ ऐसा कर रहा है जिसके वजह से आपके दिल में जो है डिसइंटरेस्ट पैदा हो रहा हो, मतलब सामने वाला को कोई मजा आ ही नहीं रहा है, कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है, तो डिसइंटरेस्टेड।
तो डिसइंटरेस्टेड, डिसेंटर्ड, डिस इज, डिजोन और डिसकनेक्ट। आपने केबल के पैसे नहीं दिए, चलो मैंने जो है डिसकनेक्ट कर दिया, जो व्यक्ति था उसको उसके तार का डिसकनेक्ट कर दिया गया। इसी तरह से डिसेंशन है, जरा डिसेंशन वर्ड को देख लो, ये समझ में शायद लग रहा होगा स्पेलिंग किस तरह से है। तो एक होता है एसेंट, ठीक है, एसेंट का मतलब होता है सहमति देना, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर असहमति देनी हो तो डिसेंट लिखते हैं, तो डिसेंट का मतलब हो गया असहमति। और इसी से जब आप जो है ये वर्ब है, ये वर्ब है, और इसको लिखते हैं डी डबल आई एस सी एन टी, क्या हो गया, सॉरी स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूं, एसेंट, एसेंट मतलब सहमति, ठीक है। और यहां पे सेंट से आप सुना होगा कॉन्सेंट, सहमति, सामने वाले की सहमति। अब यहां पे डी आई एस लिख दो और एस सी एन टी लिख दो, इसका मतलब असहमति, कोई बाहरी व्यक्ति जो है वह सहमति नहीं दे रहा है। अब इसको आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसी से आपका बन गया है डिसेंशन, ये वाला वर्ड डिसेंशन, ठीक है। तो डिसेंशन का मतलब हो गया असहमति। अब जरा सा आइए, जो वर्ड्स जो देखने वाले हैं वो इधर में आए, डिस्परेट, एक होता है सेपरेट करना, ठीक है, अलग कर देना, अलग करना, बिल्कुल अलग ग्रुप में कर देना, उसी तरह से डिस इंजीनियस। तो पहले इंजीनियस का मतलब समझना चाहिए, आपने वर्ड सुना होगा जीनियस, तुम तो बहुत जीनियस हो, मतलब बहुत ही जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तुम। लेकिन जो इंजीनियस होता है वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, वह बिल्कुल सरल होता है, सिंपल होता है, ठीक है, बहुत सिंपल इंसान होता है। अब डिस इंजीनियस का मतलब यह हो गया कि वह आदमी सरल नहीं है, वह जो है धोखेबाज है, वह जो है करप्ट है, वह कोई जो सरलता से बिल्कुल हटके है, तो इसीलिए हमने लिखा है डिस इंजीनियस। इसी तरह से डिस्कर्सिव लिखा हुआ है, डिस्कर्सिव का मतलब भी समझ लो थोड़ा सा, इसको भी मैं डायग्राम से ही समझा देता हूँ। कर्सिव हैंड राइटिंग आप लोग देखे होंगे, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे तरह से लिखते हैं, राम इज, मतलब ये वर्ड जो है इस तरह से, कर्सिव मतलब होता ही है बेंट, अगर इसमें उलट दिया जाए ऐसे करके। तो अब ये देखो, ये ट्रेंड में चला आ रहा है, समथिंग विच इज इन ट्रेंड, समथिंग विच इज इन द मेन कोर्स, मेन कोर्स से, मेन कोर्स में है ये, मतलब ये पैटर्न होना चाहिए, यही ट्रेंड होना चाहिए, यही मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब डिस्कर्स लग दिया, डिस्कर्स इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे चीजों को इसमें जोड़ देना मेन सब्जेक्ट में, और इतना नहीं बहुत सारा जोड़ देना जिसका मेन सब्जेक्ट से कोई लिंक ही नहीं हो। तो डिस्कर्सिव का मतलब हो गया सम नहीं, मेनी पॉइंट्स विच आर नॉट रेलेवेंट और रिलेटेड विद द मेन सब्जेक्ट। इसी तरह से क्वाइट, क्वाइट का मतलब तो शांत होता है, और डिसक्वाइट का मतलब होता है आप शांत नहीं, आप वरीड है, परेशान है, यू आर वरीड, ठीक है, यू आर वेरी मच वरीड। बच्चा बहुत देर से खेलने के लिए गया हुआ है, लौट के नहीं आया, ये बातें जो है माता को डिस्क्वाइट कर रही थी, डी आई एस क्यू यू आई ई टी। और एक लास्ट वर्ड जरा सा देखिएगा, डिसमिनेट, डिसमिनेट का मतलब भी होता है फैलाना, किसी बात को, कोई इन्फॉर्मेशन को एक नहीं हजारों जगह से, मतलब बहुत लंबा चौड़ा एरिया में जब किसी बात को फैलाना हो तो उसको डिसमिनेट बोलते हैं। तो कुल मिला के ये जो मेरा जो ये वर्ड पावर का क्लास है, इसमें मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि डिस जो वर्ड है वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में काम करता है, और कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता हो और उससे पलट सामने वाला कोई उसको रोक लगाना चाहते हो तो डिस वर्ड का इस्तेमाल हमेशा हो जाता है। आप खुद से भी आप ऐसा देख सकते हो, जैसे एक डिसअपीयर, अपीयर मतलब तो होता है उत्पन्न होना, सामने प्रस्तुत होना, डिसअपीयर का मतलब कोई जो है एक्स्ट्रा फैक्टर या काम वो गायब हो गया। तो चलिए, ये मेरे को, ये मैंने वीडियो यन में बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, मैं एक और वीडियो आपके सामने लाऊंगा, वीडियो नंबर 2, और उसमें डिस से रिलेटेड और भी शब्दों को मैं चर्चा करूंगा। तो देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, धन्यवाद।